हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एके ज्ञानशाला। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक क्यूब रूट निकालने की ट्रिक। आपको सिंपली टू फिगर्स वाले रूट का 1 से 100 तक के फिगर्स का क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। उनमें से आपको करना कि आपको ए और बी लेटर्स का नाम दे देना है और आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। फर्स्ट डिजिट आप ए का क्यूब करेंगे, सेकेंड डिजिट में आप ए स्क्वायर इंटू बी करेंगे, थर्ड डिजिट में आप बी स्क्वायर इंटू ए करेंगे और बी क्यूब 4 डिजिट में करेंगे, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, ये सेकंड डिजिट जो होगी और थर्ड डिजिट क्या होगी, इनका ट्वाइस लिख के आप उसको नीचे लिख के दोनों को ऐड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए 21 से करके देखते हैं। अगर हम 21 का क्यूब करते हैं तो ऐसा हो जाएगा, यानी ए का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब यानी 8, फर्स्ट डिजिट हो गई आपकी। सेकेंड डिजिट आपका होगा ए स्क्वायर ए यानी 2 into 2 4 4 into 1 4, ठीक है। थर्ड डिजिट में आपका बी स्क्वायर इंटू ए यानी 1 स्क्वायर इंटू 2 यानी 2, और थर्ड में आपका 1 का क्यूब यानी 1। सेकेंड में मैंने आपसे कहा था कि आपको ए स्क्वायर, सेकेंड स्टेप में आपको ए स्क्वायर बी का ट्वाइस नंबर लिखना है इसके नीचे, यानी 4 का ट्वाइस लिखेंगे आप 8। फिर आपको यानी इसका बी स्क्वायर ए का आपको ट्वाइस नंबर लिखना है यानी कि 4, और आप सिंपली इसको ऐड कर देंगे यानी कि 1 6 12 1 कैरी और 9, यही आपका इसका आंसर होगा। चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम 23 का भी करके देखते हैं। उसी से आप करेंगे और 2 का क्यूब यानी कि 8, सेकंड डिजिट में आप करेंगे ए स्क्वायर इंटू बी यानी कि 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 into 3 यानी 12, 12 में आप 2 यहाँ पे करेंगे, आप 1 कैरी कर देंगे, ठीक है। बी थर्ड डिजिट में आपका बी स्क्वायर इंटू ए यानी 3 का स्क्वायर यानी 3 into 3 9 9 2 18, 18 का 1 आप यहाँ कैरी करेंगे, 8 यहाँ पर लिखेंगे, और ऐसी तरीके से 3 का क्यूब 27 को 2 कैरी करेंगे और 7 आप यहाँ पर कैरी लिखेंगे। उसी तरीके से सेकंड स्टेप में आपको वही करना है, ए स्क्वायर बी का ट्वाइस लिखना है यानी कि हमारा 12 का यानी कि आपका हो जाएगा 424। उसी तरीके से आपको 3 का सेकंड थर्ड डिजिट का ट्वाइस लिखना है यानी कि बी स्क्वायर इंटू ए का ट्वाइस, तो हमारा हो जाएगा 36। 36 में आप इधर 6 लिखेंगे और आप 3 कैरी कर देंगे, 3 कैरी करने के बाद आप इनको ऐड कर देंगे, यह जाएगा आपका 7 7 2 और 8 10 10 और 16 1 कैरी, फिर से 2 2 4 4 और 3 7 7 और 4 11, 1 फिर 1 हासिल, और पहले से 1 2 10 10 और 2 12, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।